हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के कुछ एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो एग्जांपल है, ये मैंने आपकी रेफरेंस बुक कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर बाय मॉरिस मेनो के अनसॉल्व क्वेश्चन से ली है। फाइन, लेट्स बिगिन। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है कि आपको ये स्ट्रक्चर इट इज सम इक्वल्स टू जीरो, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए प्लस बी, डिफरेंस इज इक्वल्स टू डिफरेंस माइनस सी एंड सम इक्वल्स टू सम प्लस डिफरेंस का आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बना। फाइन, अब यहाँ पर आप जानते हो कि मुझे कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं। दैट इज एक सम नाम का वेरिएबल है, एक ए है, बी है, डिफरेंस एंड सी। तो सबसे पहले मुझे ये सबका डिक्लेरेशन करना होगा। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम तो लिखा हुआ, प्रोग्राम के लोअर पार्ट में आपको डिक्लेरेशन करना। इसीलिए आप देख सकते हो कि प्रोग्राम के लोअर पार्ट में मैंने डिक्लेरेशन किया। दैट इज ए डेसिमल नंबर है जिसकी वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, बी डेसिमल वैल्यू है, सी डेसिमल वैल्यू है, सम आपका डेसिमल जिसकी वैल्यू फिलहाल मैंने जीरो स्टोर की है, डिफरेंस डेसिमल में है जिसकी वैल्यू फिलहाल जीरो स्टोर की। आपका रिक्वायरमेंट क्या था, आपको सम के अंदर जीरो लोड करना है। तो ऑलरेडी ये डिक्लेरेशन यहाँ पर जो सम डेसिमल जीरो मैंने वो काम कर। अब आपके पास क्या मिलता है, डेट इज सम प्लस ए प्लस बी, मतलब आपके पास वेरिएबल्स तीन है, डेट इज सम है, ए है, बी है, तीनों तीन का आपको एडिशन करना है और फाइनल आंसर आपको सम में स्टोर करना है। अब आप जानते हो, आप डायरेक्ट किसी भी वेरिएबल को अगर आपको एक्यूमुलेटर में लेना है तो कौन सा वेरिएबल यूज, कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना है, दैट इज एलडी। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, क्लियर एक्यूमुलेटर को फिलहाल मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। फिर क्या लिखते हैं, दैट इज एलडीएबी। व्हाई? बिकॉज मैं यहाँ पर आपके पास बी अवेलेबल है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो बी है मैं वो उसमें ले रहा हूँ, दैट इज एक्यूमुलेटर, दैट इज एलडीएबी। जो मैंने राइट हैंड साइड उसके कमांड में मेंशन किया, लोड वेरिएबल बी टू एक्यूमुलेटर। फिर मैं मेंशन करता हूँ एड ए, आपका एडिशन किसके साथ होगा, एक्यूमुलेटर। अभी एक्यूमुलेटर में है कौन, बी वेरिएबल, और एडिशन कौन कर रहा है, ए वेरिएबल। मतलब होगा क्या, ए प्लस बी गोस टू एक्यूमुलेटर, इसलिए मेंशन किया गया है एड वेरिएबल ए विद एक्यूमुलेटर, और फाइनल आंसर आपका कहां स्टोर होना है, एक्यूमुलेटर। मतलब आपका ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है सम इक्वल्स टू सम प्लस ए प्लस बी, उसमें ए प्लस बी का आंसर आपने एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। मतलब आप सम वाली जो वेरिएबल है उसको फिर से मैं एक्यूमुलेटर के साथ एड करूंगा, इसलिए क्या मेंशन किया, दैट इज एड सम। इसके बाद क्या हुआ, मतलब आपका आपके पास एक्यूमुलेटर में किसका आंसर है, सम प्लस ए प्लस बी, और आपको इसको कहां मूव करना है, बिकॉज ये क्या बोल रहा है, आपको फाइनल आंसर कहां चाहिए, सम में चाहिए, इसलिए मैं कौन सा वेरिएबल यूज करूं, दैट इज एसटीए। और आप जानते हो एसटीए मतलब क्या, स्टोर एक्यूमुलेटर। एलडीए क्या करता था, लोड एक्यूमुलेटर, आपके पास जो वेरिएबल में वैल्यूज है उसे एक्यूमुलेटर में लोड कर रहा था। एसटीए क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो आपके वेरिएबल में लोड कर रहा है, दैट इज स्टोर एक्यूमुलेटर टू वेरिएबल सम। मतलब इसमें जो आपके पास सेकंड लाइन है, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए प्लस बी, ये यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपके पास क्या आता है, डिफरेंस इक्वल्स टू डिफरेंस माइनस। अब यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, दैट इज माइनस, तो माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो सी वेरिएबल है उसे एक्यूमुलेटर में लूंगा, जैसे यहाँ पर मेंशन की, दैट इज अगेन क्लियर एक्यूमुलेटर। फिर क्या कर रहा हूँ, दैट इज एलडीएसी, मतलब यहाँ पे जो सी वैल्यू है वो मैंने किसमें ले ली, दैट इज एक्यूमुलेटर। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब मैं करूंगा दैट इज सी एम ए। तो क्या मेंशन करता हूं, दैट इज सी एम ए, और उसके बाद मेंशन करता हूं दैट इज इंक्रीमेंट। मतलब ये जो तीन लाइन है, एल डी ए सी सी एम ए इंक्रीमेंट सी, ये इसने क्या बना दिया, आपके पास जो सी नेगेटिव में लेना था वो आपके पास अवेलेबल हो गया। अब उसके एडिशन किसके साथ करना है, आपको डिफरेंस के साथ। मतलब अभी आपके पास जो नेगेटिव सी है वो कहां स्टोर है, आपके पास एक्यूमुलेटर में। क्यों, बिकॉज आपने सी वाली वैल्यू कहां ले ली थी, एक्यूमुलेटर। फिर आपने किसको कॉम्प्लीमेंट किया, एक्यूमुलेटर। फिर आपने इंक्रीमेंट किसको किया, एक्यूमुलेटर। तो भाई फिलहाल आंसर आपके पास माइनस सी वाला कहां स्टोर है, एक्यूमुलेटर। मैं मेंशन करता हूं क्या, दैट इज एड डी, मतलब ये डी किसके साथ एड हो जाएगा, आपके एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू थी, माइनस सी वाली, मतलब दोनों का एडिशन हो जाएगा, फाइनल आंसर कहां स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। पर मुझे स्टोर कहां करना है, दैट इज डी नाम की वेरिएबल में। मैं क्या करूंगा, दैट इज एसटीए डी, जैसे ऊपर मैंने एसटीए सम किया था वैसे यहाँ पे क्या करूंगा, दैट इज एसटीए डी। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया, दैट इज एसटीए डी। फाइन, अब ये नॉर्मल आपका दो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए, दैट इज सम इक्वल्स टू सम प्लस ए प्लस बी एज वेल एज डिफ इक्वल्स टू डिफ माइनस। मतलब आपके पास आंसर कहा, सम वेरिएबल में भी अवेलेबल और डिफरेंस वेरिएबल में। अब ये दोनों का आपको एडिशन करना है। फाइन, तो मैं फिर से काम क्या कर रहा हूँ, दैट इज एलडीए डिफ, इससे क्या हो जाएगा, डिफरेंस वाला वेरिएबल कहां आ जाएगा, दैट इज एक्यूमुलेटर। फाइन, अब एड सम करूंगा, मतलब एडिशन क्या होगा, सम प्लस एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में है क्या, डिफ, और वो किसमें जाकर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर। बट आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहां डालना है, सम वाले वेरिएबल में डालना है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, दैट इज एसटीए सम, मतलब फिर से आपका आंसर कहां जाकर स्टोर हो जाएगा, सम नाम के वेरिएबल।
और ये उसका डिक्लेरेशन आपके सामने अवेलेबल है और नीचे एंड ऑप्शन है। फाइन, तो ये बेसिकली इस तरीके से आप प्रोग्राम को लिखे। इज इट क्लियर? आई होप सो ये वाला प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया। लेट्स बिगिन विद सम अनदर एग्जांपल। यहाँ पर क्या अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर टू में, द फॉलोइंग प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हेक्साडेसिमल कोड, यानी ये लोकेशन मेंशन किए गए 100 से लेके 106 और उसमें इंस्ट्रक्शन मेंशन की गई दैट इज 510। एक्चुअली 510 की इंस्ट्रक्शन है क्या, उसे हमें दैट इज एग्जीक्यूट करना है। उससे सबसे पहले हम डिकोड करेंगे व्हाट दिस 5103 मींस। फाइन, तो लेट्स बिगिन विद दिस इंस्ट्रक्शन दैट इज एट लोकेशन 100 इंस्ट्रक्शन 5103। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन मैंने मेंशन कर दिया 100, इंस्ट्रक्शन क्या है 510। अब मैं उसे हर एक को चार चार बिट में मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब 5 को मैंने 0101 मेंशन किया, फिर 1, फिर 0, फिर 3। अब आप जानते हो यहाँ पर आपके पास पहली वैल्यू 5 अवेलेबल है, ये 5 है क्या? अगर इसको हम डिकोड फिर से करेंगे तो एक्चुअली ये आपके पास है दैट इज मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे कौन आता है दैट इज ES। और यहाँ पे बिकॉज आपकी 15th बिट जीरो है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है, मतलब आपका मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या हो गया दैट इज डायरेक्टली। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया दैट इज BSA, और आपके पास 10 मेंशन कर दिया मैंने दैट इज BSA 10। फिर आपके नेक्स्ट लोकेशन पे वैल्यू क्या थी इंस्ट्रक्शन की 7200, उसको मैंने मेंशन कर दिया 7200, और ये किसका कोड है, ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के CMA का कोड है दैट इज कॉम्प्लीमेंट एक्यूम। फिर आपके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे क्या 102 पे लोकेशन पे 7001, ये 7001 जो इंस्ट्रक्शन दैट इज फॉल्ट। फिर 103 पे क्या मेंशन है 000, आप देखिए यहाँ पे 103 पे 000 मेंशन, मतलब मैंने यहाँ पे 000 मेंशन किया, मतलब ये क्या है आपका एक्चुअली कुछ डिक्लेरेशन है, इसके मेंशन अभी क्या कर दैट इज ट्रिपल एक्स में मेंशन कर दिया 103 लोकेशन। फाइन, अभी फिलहाल उसका मुझे कुछ पता नहीं। 104 क्या बोलते हैं 7800, 7800 अगेन कम्स फ्रॉम अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जिसकी वैल्यू इंस्ट्रक्शन दैट इज सी है। फिर आपके पास 105 है दैट इज 7020, और इसके पास 7020 कोड है दैट इज इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट एक्यूमुलेट। और आपके पास 106 पे क्या है C103 को मैंने C को मेंशन किया दैट इज 1100 दैट इज आपका 12, और जो 12 आपका C हो जाएगा दैट इज A इज 10, B इज 11, C इज 12, और ये आपका 103। अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, ये आपका अगेन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन 100 उसका ऑफ कोड मोस्ट सिग्निफिकेंट वन, मतलब इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेस 100, मतलब आपका कोड हो जाएगा दैट इज ब्रांच अनकंडीशनल, और आपके पास लोकेशन मिलेगा 103 और मोड ऑफ एड्रेस मिलेगा दैट इज इंटर। अभी आपके राइट हैंड साइड मतलब लास्ट कॉलम में पूरा प्रोग्राम आता है। अब क्या सबसे पहले मेंशन है इस प्रोग्राम में दैट इज BSA 103, BSA स्टैंड्स फॉर ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस लोकेशन 103। आप चले जाएंगे कहां 103, और 103 पे क्या स्टोर करेंगे आप स्टोर करेंगे नेक्स्ट लोकेशन दैट इज 101। आप जहां अभी फिलहाल अवेलेबल है, आप कौन से लोकेशन पे अवेलेबल दैट इज 100, जब आप BSA एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसके बाद वाला लोकेशन स्टोर हो जाएगा कहां, जहां आपने BSA को लोकेट किया, मतलब लोकेशन नंबर 103। तो 103 पे अभी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास दैट इज 100 आएगी। फाइन, ओके, मतलब आपने यहाँ पे ब्रांच तो कर दी, आप यहाँ पर आ गए, अब आप क्या बोलो दैट इज क्लियर एक्यूमुलेट, मतलब अभी एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0000, 4 बिट हो जाएगी 0000। फाइन, क्यों, बिकॉज वो 16 बिट डेटा एक्चुअली, इसलिए 4 जीरो रहते हैं 4 ग्रुप्स में। फिर आपके पास आता है दैट इज इंक्रीमेंट सी, मतलब आप जो 0000 था उसकी जगह क्या आएगा 0001, मतलब आपके पास वैल्यू 1 आ गई। अब क्या लिखते हो, दैट इज ब्रांच अनकंडीशनल लोकेशन 103 इनडायरेक्ट, मतलब आपको ब्रांच करना है, जाना कहां लोकेशन 103 पे इनडायरेक्ट, मतलब 103 पे नहीं जाएंगे, 103 पे जो रेफरेंस है वहां चले जाएंगे। 103 पे किसका रेफरेंस स्टोर था आपका, 103 पे आपका रेफरेंस स्टोर था 101, मतलब आप कहां चले जाएंगे यहां पर आने के बाद 101 क्या होता है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेट, मतलब आप क्या होता है आपके पास वैल्यू फिलहाल क्या है आपके पास इंक्रीमेंट की वजह से आपके पास वैल्यू थी 000, मतलब 0001, बट ये 000 मत गिनी, 000 में एक्चुअली पहला जीरो 40 का एक्यूमुलेट कर रहा है, सेकंड जीरो अगेन 40 का एक्यूमुलेट कर रहा है, थर्ड जीरो अगेन 40 का एक्यूमुलेट कर रहा है, और फोर्थ जो वन है तो पहले 30 है लास्ट में वन। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 15 पोजीशन पे वन आ जाएगा और लास्ट में सिर्फ 0 हो जाएगा, मतलब 41 फॉलोड बाई 41 फॉलोड बाई 41 और उसके बाद 111 फॉलोड बाई 0। अगर आपके पास 41 है तो वो क्या हो जाएगा दैट इज एफ, फिर अगेन आपको एफ मिलेगा, फिर एफ मिलेगा, फिर आपके पास 1110 तो आपके पास हो जाएगा ई, और यहाँ पर प्रोग्राम का वो कॉल होता है, मतलब आपके पास लेटेस्ट फाइनल एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी FFF।
यहाँ काफी पूछा गया है व्हाट आर द कंटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड इन द मेमोरी वर्ड एट एड्रेस 103 व्हेन द कंप्यूटर फॉल्ट्स। मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, एक्युमुलेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रिपल एफ ई, और आपका मेमोरी वर्ड 103 पे क्या मिलेगा, दैट इज 101 क्यू, बिकॉज जब आपने पीएसए 103 एग्जीक्यूट किया था और जो लोकेशन पे चले गए थे ये, और लोकेशन में रिटर्न एड्रेस तो कौन सा हुआ था, पीएसए 103 के बाद वाला एड्रेस, दैट इज 101। ये दो मैंने बेसिक प्रोग्राम समझा है, आई थिंक वीडियो लेंदी नहीं हो जाए, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे प्रोग्राम्स को कंसीडर करने की कोशिश करूंगा, बट आई होप सो ये दो प्रोग्राम आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हो। फाइन, ओके, थैंक यू।